मगर भाई 17 महीने हुए धारा 370 हटे हुए, आप हमसे हिसाब मांग रहे हो। 70 साल आपने क्या करा इसका हिसाब लेकर आए हो क्या? क्या किया 70 साल? और अगर 70 साल ढंग से चलाते तो हमसे हिसाब मांगने का समय ही ना आता। संसद रे पारित हला जम्मू काश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल। सठिक समय आसिले जम्मू काश्मीर को पुनः दियाजिबो राज्यर मान्यता। जहाँ 70 वर्षे होइ नथिला ता होइछि एई 17 मासरे। मोदी सरकार को नेतृत्व रे बदलिछि उपत्यकार रूपरेख। जम्मू काश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल शनिवार लोकसभा रे पारित होइछि। बिल पारित पूर्वरु जम्मू काश्मीर विषय रे गृह रे दीर्घ समय धरि आलोचना होइतिला। विरोधी मध्य अनेक प्रश्न उठाइथिले। धारा 370 हटा जिबा परे राज्यर अवस्था उपरे प्रश्न करा जिबा सह धारा 370 हटाइबा परे सेठार कोन परिवर्तन आसीछि सेने प्रश्न करथिले विरोधी। विरोधी दल उठाइथिबा समस्त प्रश्नर केन्द्र गृहमंत्री अमित शाह विस्तृत भावे उत्तर रखिथिले। जम्मू काश्मीर को केबे राज्य मान्यता दियाजिबो बोली विरोधी पचारिथिबा प्रश्नर उत्तर रखि अमित शाह कहिथिले सठिक समय आसिले जम्मू काश्मीर को पुनः राज्य मान्यता दियाजिबो। माननीय अध्यक्ष जी, मैं उनको कहना चाहता हूं कि हम तो सुप्रीम कोर्ट के सामने है ही एक पक्ष लेकर कि इस देश में धारा 370 नहीं होनी चाहिए, इसलिए हमने हटाया। मगर आप तो सुप्रीम कोर्ट के सामने ही नहीं हो भाई, ना हा ना ना बीच का रास्ता लेकर चल रहे हो और दोनों ओर बोल रहे हो। ये तो आप भी कर सकते थे सुप्रीम कोर्ट में जाकर कि भाई जल्दी सुनवाई करो। ये भी आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट आजकल वर्चुअल सुनवाई करता है। इसका एक बड़े हिस्से का सुनवाई हो चुका है, 5 जज का बेंच भी बन चुका है। और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट वर्चुअल सुनवाई के मोड से पुनः फिर से एक बार आमने सामने की सुनवाई करेगा, तब जरूर सुप्रीम कोर्ट अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से इसको सुनेगा। मगर तब तक कोई काम ना करे क्या? ये किस प्रकार के उदाहरण इस सदन के अंदर दिए जाते हैं। तेबे वर्तमान समय रे जम्मू काश्मीर पुनर्गठन बिल 2021 अणा जायछि। एही बिल को अमित शाह उपस्थापन करबा सह या प्रदेश हित उद्देश्य रे परिचालित करा जइबो बोली कहछन्ती। जम्मू काश्मीर राज्य मान्यता पाइबो नाही बोली विरोधी को प्रश्न रे अमित शाह जम्मू काश्मीर को उपयुक्त समय रे राज्य मान्यता दिया जइबो बोली कहछन्ती। तेबे जम्मू काश्मीर राज्य मान्यता पाइबा सह एही बिल रो कोनोसी संपर्क नाही बोली कहछन्ती अमित शाह। जम्मू काश्मीर रे अनेक दशंधि धरि केवल 3 पीढ़ी शासन करि आसथिले। 70 वर्षर शासन काल रे घाटी रे जा होई पारि नाही, मोदी सरकार मात्र 17 मास रे ता करि पारिछंती। वर्तमान मोदी सरकार को नेतृत्व रे जम्मू काश्मीर रो रूपरेख बदल जाइछि। एहा सह सहा जम्मू काश्मीर रो उन्नति पई सरकार को तरफ रु करा जाउतवा समस्त प्रयास विषय रे विस्तृत भाबे प्रकाश करथिले। गत 17 मास मध्ये रे स्वास्थ्य क्षेत्र रे अनेक कार्य करा जाइछि। जल विद्युत प्रकल्प रे 3490 मेगावाट रो काम करा जाइछि। सेहीपरि शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और अन्यान्य क्षेत्र रे अनेक आखिदृश्य कार्य करा जाइछि बोली प्रकाश करछन्ती गृहमंत्री। मान्यवर, इस सब ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था, गृहमंत्री ने वादा किया था कि पूर्ण राज्य का स्टेटस वापिस मिलेगा। मैं फिर से जम्मू कश्मीर के लोगों को वादा करना चाहता हूँ, निश्चित मिलेगा। आपका विकास जो अटक गया है, ये 3 परिवारों ने जो विकास को रोक कर रखा है, उसको पटरी पर चढ़ाकर जैसे ही उचित परिस्थिति होगी, जरूर जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का स्टेटस वापिस देंगे। इसका इस बिल से कोई लेन देन नहीं है। ये बिल से पूर्ण राज्य वापिस आने की कोई संभावना समाप्त नहीं होती है। इतनी स्पष्टता कर फिर से एक बार जम्मू कश्मीर के अवाम और लद्दाख के लोगों को मैं कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी सरकार परिपत्रों से नहीं चलती है, नरेंद्र मोदी सरकार कानूनों से नहीं चलती है, नरेंद्र मोदी सरकार योजना से नहीं चलती है, नरेंद्र मोदी सरकार भावना से चलती है। और हम मानते हैं कि जम्मू कश्मीर हमारा है। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज। एबे निजो मोबाइल रे अर्गस न्यूज रा आप माध्यम रे आपण देखि परिबे लेटेस्ट अपडेट्स आउ लाइव गूगल प्ले स्टोर किंबा एप्पल ऐप स्टोर। आज ही डाउनलोड करंतु अर्गस न्यूज ऐप, इंस्टॉल करंतु निजो मोबाइल रे, बस खबर बे आपण को हाथ पहांता रे। आपण भी जोडी होंतु अर्गस सहित अर्गस रो नुआ ऐप रे, सत्य रो संधान रे। अर्गस सबुबेले लोकन को साथ रे।